शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी जानने के इच्छुक होंगे कि विधानसभा 2023 का चुनाव परिणाम क्या होगा। आज हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के सितारे क्या कहते हैं, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री श्री TS सिंहदेव जी और श्री रमन सिंह जी की कुंडली के बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भूपेश बघेल जी के कुंडली के विश्लेषण से। तो भूपेश बघेल जी का जन्म 23 अगस्त को हुआ था, जो कि 5 अंक को प्रतिनिधित्व करता है। इनका कन्या लग्न है, साथ ही साथ शनि पंचमेश होकर मकर राशि में विद्यमान है और शनि नवांश कुंडली में भी पंचम राशि में बैठा है, जो कि इनके कुंडली में एक प्रबल राजकारक योग बनाता है। साथ ही साथ शुक्र मिथुन राशि में विराजमान होकर चंद्रमा को अपनी दृष्टि डाल रहा है, जो कि एक धन कारक और राजयोग इनके कुंडली में निर्मित करता है, जिसके कारण इनके जीवन में इनको काफी सारे बदलाव भी महसूस होंगे। साथ ही साथ नवांश कुंडली में और लग्न कुंडली में ग्रहों की एक जैसी स्थिति, वर्गोत्तर स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि जीवन में राजयोग निर्मित करती है। साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस की कुंडली भी देखें तो भी अगर हम इस स्थिति को छत्तीसगढ़ में 2000 में 1 नवंबर के दिन जो कांग्रेस की स्थिति है वो कर्क लग्न में थी, जो कि केतु के साथ युक्त थी, जो कि स्ट्रगल जरूर करवाती है लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पे अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए दिखाई दे रही है। तो ग्रहों और तारे ग्रह नक्षत्र का जो साथ है वो माने वो भूपेश बघेल जी को मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि रमन सिंह जी का भाग्य, उनके ग्रह सितारे विधानसभा 2023 चुनाव में क्या सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो इनका मूलांक 6 है 15 अक्टूबर के दिन इनका जन्म हुआ है, धनु लग्न से प्रभावित है, साथ ही साथ गुरु का लग्नेश होना, साथ ही साथ 10वें भाव में सूर्य का स्थित होना इनको वाक पटुता में संपूर्ण बनाता है तथा काफी सोच विचार करके निर्णय लेने की क्षमता को प्रकट करता है। इनके जीवन में भी 10वें भाव में सूर्य का होना सत्ता पक्ष पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरफ इनको सपोर्ट प्रदान कर रहा है। तो इनकी भी स्थिति अगर चुनावी परिणाम में देखी जाए तो काफी मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। इनको इनकी पार्टी का सहयोग तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही साथ सत्ता पक्ष में भी इनकी स्थिति काफी मजबूत होकर आगे बढ़ने वाली है। शुक्र ग्रह से प्रभावित अंक 6 इनको जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य तो देगा ही देगा, साथ ही साथ इनकी राजनीतिक स्थिति को भी काफी मजबूत करती हुई इनकी राशियां, इनके ग्रह नक्षत्र इनको अपना प्रभाव दे रहे हैं। साथ ही साथ अब हम छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री TS सिंहदेव जी के बारे में विषय में चर्चा करें। तो इनका मूलांक 4 है 31 अक्टूबर को इनका बर्थडे आता है, क्योंकि 4 अंक सत्ता दिलाने वाला अंक होता है, राहु से प्रभावित अंक होता है। सूर्य और राहु जब हमारे कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं तभी हमें सत्ता की प्राप्त होती है। तो TS सिंहदेव जी की कुंडली में जो इनका राजकारक योग बन रहा है, जो कि इनके जीवन में इनको सत्ता तो दिलाएगा ही दिलाएगा तथा सत्ता प्राप्त करने में भी इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और राज्य के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ सत्ता में एक प्रभावशाली पर्सनालिटी के रूप में ये उपस्थित तो है ही, साथ ही साथ ये आने वाले चुनाव के परिणाम में भी अपना विशेष स्थान रखते हुए अपने राजनीतिक जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी को उनके भाग्य का सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।